इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको इस तरीके से लीक कब आता है आपके पीसी के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट एरर ओनली NTFS फाइल सिस्टम सपोर्ट्स फाइल्स लार्जर देन 4 GB। तो इस तरीके से आपको लीक कब आता है, तो इसका सलूशन क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि NTFS होता क्या है। अगर इसको सॉल्व करना है, देखिए एक प्रोसेसिंग फाइल सिस्टम रहता है, ठीक है, प्रोसेसिंग फाइल सिस्टम पूरा का पूरा जैसे हम पूछाते हैं तो वही रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड एक रहता है यहाँ पर फैट 32, ठीक है, और एक और रहता है जो कि हाईली रहता है, जहाँ पर हम 128 GB की फाइल को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमारा जो सिस्टम हमसे कह रहा है कि आप NTFS को लगाइए, ओनली NTFS, और ये जो 4 GB से लार्जर देन फाइल रहती है उसको कंप्लीट कर सके, यानी कि एक्सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि NTFS और यहाँ पर फैट 32 के अंदर डिफरेंस का ही इशू है, यहाँ पर इससे ज़्यादा इशू नहीं है। वो मैं सब चीज़ यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। अब फैट 32 के अंदर 4 GB से कम की फाइल जाती हैं और NTFS में 4 GB से ऊपर की 16 GB तक की फाइल्स इजीली चली जाती हैं। हमारा सिस्टम यहाँ पर रिक्वायर्ड कर रहा है 4 GB की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव को सबसे पहले हम यहाँ पर इसको लगाते हैं अपने PC के अंदर, जो भी है यहाँ पर है यहाँ पर। अब देखते हैं उसके बाद ये कि हमारी NTFS है या फैट है। उसके बाद हम इसको डायरेक्टली यहीं से खोल लेंगे। माय पीसी के अंदर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं USB हमारी लग गई। इसको होल्ड प्रेस करिए एंड इसके सेकंड पोजीशन पर जाइए, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज चेक करिए आप। सबसे पहले प्रॉपर्टीज पर हम टिक करेंगे यहाँ पर, और प्रॉपर्टीज पर टिक करना है, और प्रॉपर्टीज पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा फाइल सिस्टम फैट 32। तो इसी वजह से हमारा ये इशू क्रिएट हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर पूरा करके दिखा देता हूँ। ये जो प्रोसेस है, किसी फाइल को खोलता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए इस वाली फाइल को मैं यहाँ पर खोलता हूँ, यहाँ पर डबल प्रेस करता हूँ मैं, ठीक है, और इसको यहाँ से हम WinNR से खोल लेते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं यहाँ से इसे, और उसके बाद यहाँ पर ये इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम अपनी SD कार्ड के अंदर, सॉरी यहाँ पर USB फ्लैश ड्राइव कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने इसे टिक किया और अब देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से रिप्लेस कन्फर्म जो भी आपकी फाइल्स है। तो ये इससे अलग है, मैं आपको पूरा चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको यहाँ पर समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप इसे यस कर दीजिए और आपको यहाँ पर ये इस तरीके से दिखा देगी, जो कि हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी फैट। अभी हमारी 4 GB से बड़ी फाइल है तो भैया ये जाएगी नहीं। हाँ, 4 GB से छोटी फाइल हम पूछाएंगे तो यहाँ पर बता दिया, अब बिल्कुल बता दिया आपकी फाइल जो है, आपके जो SD कार्ड है वो 32 की है, ठीक है, फैट 32 की है, आपको NTFS की लगानी पड़ेगी तब ये जाएगी। तो ये प्रॉब्लम रहती है इसकी और ये सोल्यूशन रहता है। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।